एक माइक्रोवेव कार के ऊपर धड़ाम से गिरता है। लगता है किसी ने अपना बदला लिया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो तीन लोगों से पूछताछ करता है। समानता कहती है, मैं तो अभी अभी होम आई हूँ और मैं माइकल के कार को क्यों तोड़ूंगी, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। टॉम कहता है, ये घर भी माइकल का है, मैं तो यहाँ रेंट पे रहता हूँ और मेरा तो हाथ भी फ्रैक्चर है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। माइकल कहता है, मेरी ये न्यू कार है, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही ली है, पर ठीक है, मेरा इंश्योरेंस है तो मैं ठीक करवा लूंगा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और ये किसने किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, अच्छे से सोचिए। अगर टॉम का हाथ फ्रैक्चर है तो वो उसी हाथ से ब्रेकफास्ट और कॉफी कैसे पी सकता है। वो देखिए, फोर्क और कॉफी मग दोनों राइट साइड में रखे हुए हैं और उसका राइट हैंड ही फ्रैक्चर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मतलब वो नाटक कर रहा है, मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जेसन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ सना ने सुसाइड कर लिया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है, सारे सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। फिर जेसन मेहुल को बताता है, मेरे और सना के बीच में कल झगड़ा हुआ था तो सना ने तुरंत ड्रॉर से पॉइजन की बोतल निकाली और खा ली। डिटेक्टिव मेहुल पॉइजन की बोतल लेता है और टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देता है। लैब से मेहुल को कॉल आता है और बताया जाता है कि सना के फिंगरप्रिंट्स बोतल में मिले हैं और बोतल में वही पिल्स है जो सना ने कंज्यूम भी की है। बट ये सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। क्यों, लैब इंचार्ज को ऐसा क्यों लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन सारे क्लूज को ऑब्जर्व कीजिए। सना के फिंगरप्रिंट देखे सिर्फ बॉटल पे है, बॉटल के ढक्कन पे नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिना उसके सना बॉटल को खोलेगी कैसे? मतलब ये क्लियर है, जेसन ने बाद में अपने वाइफ के फिंगरप्रिंट बॉटल में लगा दिए लेकिन वो ढक्कन में लगाना भूल गया, जिसे लैब इंचार्ज चीची समझ गया कि वो मर्डर है बल्कि सुसाइड नहीं। डिटेक्टिव मेहुल जेसन को पकड़ लेता है। मेहुल के ऐसे ही इंटरेस्टिंग केसेस सॉल्व करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। राखी को कई समय से कार चाहिए था लेकिन उसका हस्बैंड आलोक हमेशा मना कर देता था। एक दिन न्यू ईयर की शाम को राखी ने बोला, आज तो मुझे न्यू कार चाहिए ही। अच्छा, कौन सी कार चाहिए? मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार दिला दूंगा लेकिन मेरे एक पजल को सॉल्व करके दिखाओ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। इस थ्रेड को इस कैची से काट के दिखाओ लेकिन ध्यान रहे बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए। बस इतनी सी बात, ये तो मैं आसानी से कर लूंगी। और राखी ये कर लेती है और उसे कार मिल जाती है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए राखी ने ऐसा कैसे किया? रस्सी को कैची से काट दिया फिर भी बॉल नीचे नहीं गिरा, सोचिए सोचिए। राखी ने पहले नॉट को इस तरह से बांध दिया, उसके बाद रस्सी को नॉट में से काटा, इसलिए बॉल नीचे नहीं गिरा। राखी क्ले क्लैक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जिम की कार एक गैस स्टेशन के पास खराब हो जाती है। उसे जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना था तो वो लिफ्ट लेने का सोचता है। वहां पे तीन कार आ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि तीनों में से कौन सी कार वाले से उसे लिफ्ट लेना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों कार वालों को और कार्स को देख के बता सकते हैं जिम को किससे लिफ्ट लेनी चाहिए, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। पहले इमेज में दो पोस्टर्स दिख रहे हैं जिसे समझ रहा है कार बी वाला क्रिमिनल है और कार ए चोरी की है। मतलब ये दोनों कार में उसे लिफ्ट नहीं लेना चाहिए, जिम को कार सी वाले से लिफ्ट लेने चाहिए। चलिए अगली पहली देखते हैं। तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी और आप रास्ते से जा रहे थे, तभी आपको बस स्टॉप पे तीन लोग दिखाई देते हैं। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड, एक बूढ़ी औरत और आपकी ड्रीम गर्ल। बट आपकी कार में सिर्फ एक जन की ही जगह है, तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए आप किसको लिफ्ट देंगे, सोचिए सोचिए। सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को लिफ्ट नहीं दी तो झगड़े हो जाएंगे और अपनी ड्रीम गर्ल को इस तरह से गुड बाय कहकर आप जा भी नहीं सकते, और बुरी औरत को लिफ्ट नहीं देना मोरली गलत हो जाएगा।
तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अपनी गाड़ी की चाबी अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दीजिए, वो उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट दे देगा और आप अपनी ड्रीम गर्ल के साथ बस स्टॉप पे वेट कर सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर के अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम खुला था। टिम और टेड उस शोरूम में पहुंच जाते हैं। टेड टेस्ट ड्राइव करने के लिए कार के अंदर चला जाता है। सडनली वहां लाइट चली जाती है और सब लोग पैनिक हो जाते हैं। जब लाइट वापस आती है तो सब लोग चौंक हो जाते हैं। टेड का मर्डर हो चुका था। इंस्पेक्टर पाल शोरूम पे मौजूद था। वो तुरंत क्राइम सीन के पास पहुंच जाता है। वहां पास में तीन लोग खड़े थे, वो तीनों से पूछताछ करता है। टिम कहता है, मैं तो लोन टेंडर वालों से बात कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैनेजर कहता है, मैंने सर को ईएमआई के बारे में बताया, कार की प्राइसिंग के बारे में बताया और फिर दूसरे कस्टमर से बात करने चला गया। मैकेनिक कहता है, मैंने टेड सर को पेट्रोल टैंक के बारे में समझाया, कार की इफिशिएंसी के बारे में समझाया और फिर मैं भी चला गया। इंस्पेक्टर पाल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। शोरूम इलेक्ट्रिक कार का था, तो फिर मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में टेड को कैसे समझा सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पाल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लिली मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती है, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। रेस्टरूम में उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उस टाइम मल्टीप्लेक्स में ही था। वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो उसे समझता है कि लिली तीन लोगों से मिली थी। वो तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। रोहन कहता है, मैं तो लिली का कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं उससे काफी टाइम बाद मिला था तो हमने कुछ बातें की और फिर मैं चला गया। पैम कहती है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, उसे मूवी स्क्रीन नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसकी मदद की, फिर हम साथ में रेस्टरूम गए और फिर मैं वहां से चले गई, वो वहीं थी। एमिली कहती है, सर मैं भी उसे नहीं जानती हूँ, उसने मुझसे समय पूछा तो मैंने बता दिया, फिर वो मुझे वॉशरूम में वापस मिली थी लेकिन हमने बात नहीं की। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? लॉजिकल आर्मी, सोचिए सोचिए। लिली की डेड बॉडी को ध्यान से देखिए, उसने घड़ी पहन रखी है, तो फिर वो एमिली से टाइम क्यों पूछेगी? वहीं मेहुल समझ जाता है कि एमिली झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पेरिस में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। जिस शहर में एफिल टावर की प्यारी सी लाइट चलती है, आज वहां कंप्लीट ब्लैकआउट था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डेना बहुत डर जाती है, बिकॉज उसने आज बहुत सारा गोल्ड और कैश बैंक लॉकर से घर पे लेके आया था। वो अपने रूम में जाती है और अपने बैग को चेक करती है तो देखती है सब कुछ चोरी हो गया है। वो तुरंत इंस्पेक्टर गैक को बुला लेती है। डेना इंस्पेक्टर गैक को बताती है कि सिर्फ तीन लोगों को ज्वेलरी के बारे में पता था, तो इंस्पेक्टर गैक उन तीनों से पूछताछ करता है। जॉर्ज कहता है, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं तो दिन भर बेड पे सोया था। आप मेरे घर के सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर सकते हैं, मैं ऑल टाइम सो रहा था। रेन कहती है, मेरी छोटी बच्ची है, वो बहुत डर गई थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं उसे स्टोरी सुना रही थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। टिम कहता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं कैंडल जला के बुक पढ़ रहा था और सो गया, आपके कॉल से ही मैं उठा हूँ। गैग तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि किसने चोरी की होंगी, लेकिन क्या आप समझ पाए? लॉजिकल आर्मी, सोचिए सोचिए। यहाँ दो लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका आंसर सिर्फ एक है तो एक बार पॉज करके या वीडियो को वापस जाके वापस सोचिए। जॉर्ज और टीम दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। लेकिन टीम की बात को समझिए, वो कह रहा था कि वो सो गया था, लेकिन आप कैंडल को देखिए, वो अभी भी पूरी की पूरी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। यहाँ दो चोर है, इंस्पेक्टर गैंग दोनों को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों बॉडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन मरा हुआ है, ए बी या सी। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिर्फ
सिर्फ वी के ऊपर मक्खियां भिन बना रही है, मतलब यही डेड बॉडी है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।